मदर्स डे के उपलक्ष्य पर ग्राउंड में बहुत ही भव्य अरेंजमेंट्स किए गए। महंगी साड़ी, चमकीले जेवर पहनी हुई थी वो, और सभी लोग उसे देखकर तारीफ करे, इसलिए उसने मेकअप भी लगाया था। अमीर बहुरानी अनामिका। स्टेज में अनामिका के बगल में महिला संगठन की नेता शोभना भी बैठी थी। तभी माइक लेके मैथिली कहने लगी, और अब मातृत्व के बारे में, माँ के प्यार के बारे में दो शब्द कहने जा रही है अमीर बहुरानी अनामिका। इस तरह कहते ही अनामिका अपना मेकअप शीशे में देखती है और फिर उठ के माइक के पास आती है। उसके उठ के आते ही सारी महिलाएं तालियां बजाने लगती हैं। सारी माएं जो दिलो जान से स्नेह करती हैं, सभी को मेरा नमन। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे माँ के प्यार के बारे में, उनकी दुलार के बारे में जितनी भी बात कर ले, वो सब कम ही होता है। जब वो इस तरह कह रही थी, ग्राउंड के बगल के फुटपाथ से शारदा, उनका पोता हरीश और पोती भव्या पैदल चल के जा रही होती है। बच्चे अनामिका की आवाज को पहचान लेते हैं। दादी, जो आवाज अभी हम सुन रहे हैं, लग रहा है ये माँ की आवाज है। हाँ दादी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। उनके कहने पे शारदा भी ध्यान से सुनने लगती है। वो पहचान लेती है कि ये उनकी अमीर बहुरानी की ही आवाज है। हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की आवाज है, तो अब हम क्या करें? एक बार जाके हम माँ से मिलना चाहते हैं दादी, एक बार के लिए देखना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ दादी, चलिए माँ को देख के आते हैं। तुम लोग अपनी माँ से इतना प्यार क्यों करते हो? क्योंकि वो हमारी माँ है दादी। बेटा हरीश, जब से तुम लोग जागते हो, तुम्हें और तुम्हारी बहन को क्या वो एक बार के लिए भी अपने पास लेती है? माँ होकर क्या वो तुम्हें एक बार भी खाना खिलाती है, तुम लोगों को चूमती है? बताओ, तुम ही बताओ। नहीं दादी, आप ही हमारे लिए सब कुछ करती हैं। आप ही है दादी जो हम लोगों का अच्छे से देखभाल करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे माँ के लिए बहुत मन में प्यार है। भव्या की बातें सुन के शारदा समझ जाती है कि बच्चों को माँ की प्यार की कमी महसूस हो रही है, और वो मन ही मन कहने लगती है, माँ से प्यार होना कोई गलत बात नहीं, माँ का खून है, माँ के गर्भ से दोनों पैदा हुए हैं। पर अमीर बहुरानी को तो मेकअप, मीटिंग, फोन पे ही बात करना, यही सब रहता है। एक बार के लिए वो बच्चे को अपने पास बुलाती तक नहीं। हे भगवान, मेरी बहू को बदल दीजिए ताकि इन छोटे छोटे बच्चों को माँ का प्यार मिले। सोच ही रही थी कि हरीश कहने लगता है, हाँ दादी चलो ना माँ के पास। हाँ दादी चलो ना एक बार माँ के पास। इस तरह बच्चे जब बार बार विनती करने लगे तो शारदा को दया आने लगी। ठीक है बच्चे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। कहकर शारदा बच्चों को अपने साथ ग्राउंड के मंच के पास ले गई। स्टेज के ऊपर अपनी माँ को देखकर हरीश और भव्या बहुत खुश हो जाते हैं। माँ माँ कहते हुए वो स्टेज के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर अनामिका मनी मन सोचने लगती है, अभी अगर मैंने बच्चों को अपने से दूर रखा तो जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे कही है सब कुछ गलत साबित हो जाएगा। लोग मेरे बारे में भला बुरा कहने लगेंगे, इसीलिए मुझे ऐसा अभिनय करना है मानो कि मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। सोचकर अनामिका दोनों बच्चों को स्टेज में उठा लेती है, दोनों बच्चों को प्यार से चूमती है। वो पहली दफा था जब हरीश और भव्या को माँ ने गोद उठाया था, इसीलिए बच्चे बहुत खुश थे। ये दृश्य देखकर शारदा भी मनी मन बहुत खुश होती है। अरे वाह रे वाह, ये तो बड़ा अनोखा दृश्य है, अगर इसी तरह अमीर बहू घर पे रहती तो कितना अच्छा होता। वो ये सब सोची रही थी तब तक अनामिका कहने लगती है, सभी लोग इधर देखिए, ये मेरे बच्चे हैं, बड़ा बेटा हरीश और छोटी बेटी भव्या। ये है माँ का प्यार, चाहे माँ किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थान में हो, उसे अपने बच्चों को अपने पास लेना होता है, प्यार जताना होता है। एक बार फिर से आप सभी को मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। अनामिका की ये स्पीच सुन के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अनामिका अभिनय करते हुए हंसती है और बच्चों को उठाकर वो सीधा अपनी कार के पास आ जाती है। माँ, आप हमेशा हमारे साथ इस तरह रह सकती हो ना? हाँ माँ, जैसे आपने हमें उठाया ना, कितना अच्छा लगा, ये शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है माँ। बच्चों की बातें सुन के अनामिका गुस्से से बच्चों को नीचे उतार देती है और शारदा को देखते हुए कहती है, सब जानबूझ के ना बच्चों को लेकर आप यहाँ पे आई? नहीं बहू, जब हम पार्क के बगल से जा रहे थे, बच्चों ने तुम्हारी आवाज सुना, वो जिद करने लगे, इसीलिए मैं लेकर आई।
झूठ मत बोलिए आप। माँ होकर ये अपने बच्चों को नहीं देखती। मेरी अमीर बहुरानी मातृत्व के प्यार के बारे में ऐसा क्या कहेगी जो मैं कहूँगी, इसीलिए आप बच्चों को लेकर सीधा यहाँ आ गई। नहीं माँ, हम ही आने की इज्जत कर रहे थे, दादी हमें लेकर नहीं आई। बच्चों के बार बार समझाने के बावजूद अनामिका बिना सुने ही गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देखकर बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों को देखकर सासू माँ दुखी हो जाती है, फिर उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर बालकनी में रमेश दुखी होकर खड़ा था। उसे देखकर पिताजी प्रसाद आते हैं। बच्चों को लेकर, अनामिका को लेकर मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो बेटा। पिताजी, अनामिका में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, वो बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, उन्हें थोड़ा भी प्यार से देखभाल नहीं करती है, वो कुछ भी पूछे धैर्य रख के जवाब नहीं देती, जब देखो तो मीटिंग है कहकर वो हमेशा घर से बाहर चली जाती है। मेरे बच्चों को ऐसी माँ की जरूरत नहीं है पिताजी, ऐसी माँ किसी को ना मिले, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। वो कह ही रहा था तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है। तुम जो भी फैसला लोगे बेटा उसमें तुम्हारे पिताजी और मेरी सहमति है, बस बहू बदल जाए, बच्चों को वो माँ का प्यार दे। अब बताओ बेटा तुमने क्या फैसला लिया है? मैं अनामिका को डिवोर्स देके दूसरी शादी करना चाहता हूँ फिर से। रमेश की ऐसी बातें सुनके शारदा और प्रसाद दोनों ही बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। वो उसे देखने लगते हैं। हाँ माँ, तुमने जो सुना सही है, मैं अनामिका को डिवोर्स देना चाहता हूँ। डिवोर्स मैं और तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे, अनामिका बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है, ऊपर से अमीर है, पैसों वाली है, अलग हो जाना ही सब कुछ होता है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, बहू को बदलना होगा, ये डिवोर्स वोर्स नहीं, कुछ और सोचो। तीनों मिलके इस तरह से सोचने लगते हैं। काफी देर सोचते हैं, फिर वो फैसला लेते हैं कि ऐसा कहेंगे, उनकी सारी जायदाद कर्जे में डूब चुकी है, घर भी हाथ से निकल चुका है और अब वो सभी लोग रास्ते पे आ गए हैं। इस सिलसिले में रमेश अपने दोस्त रवि से फोन पे बात करता है। ठीक है रे, भाभी को बदलने के लिए ऐसा हम करने के लिए तैयार है, सिर्फ अमीर बहू होने से ही नहीं होता है, अच्छी माँ होना भी उन्हें जरूरी है, अब बस देखो मैं कैसे विलन बनता हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देता है। अगले दिन सभी लोग जब हॉल में थे, अनामिका अपने कमरे में मेकअप लगा रही होती है। रवि गुस्से से घर में प्रवेश करता है, गुस्से का अभिनय कर रहा था। अरे रमेश, अभी तक तुम घर नहीं छोड़े, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? चिल्लाने की आवाज़ सुन के अनामिका भागते हुए हॉल में आती है। वो देखती है रवि को चिल्लाते हुए, फिर रवि उसके पास जाता है। सुनो अनामिका, तुम अपने पति से कहो और उसे इस घर से अभी बाहर लेकर जाओ, यह किसी के लिए श्योरिटी साइन किया था, जिसने पैसे लिया था वो पैसे नहीं देके भाग गया, ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये सब अब हमारा है, अभी के अभी ये घर छोड़ कर निकल जाओ, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। अनामिका सुनते ही सदमे में चली जाती है। शारदा प्रसाद रवि को विनती करने लगते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता। रमेश जोर जोर से रोने लगता है और फिर बच्चों को साथ लेकर वो घर से बाहर निकल के आता है। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसलिए शारदा प्रसाद अनामिका को साथ लेकर घर से बाहर निकल आते हैं। वो एक छोटा सा घर भाड़े पे लेते हैं, फिर रमेश और प्रसाद मजदूरी का काम करने लगते हैं। जो पैसे आते थे उससे राशन पानी और शारदा के हाथ में दे देते थे, शारदा उन्हीं पैसों से घर चलाने लगती है। अब ना कोई पैसा, ना कोई मेकअप, अब अनामिका को भी कोई बुलाए ना, जिस वजह से मीटिंग भी बंद हो जाती है और उसका बाहर जाना भी बंद हो जाता है। अब पूरा दिन बच्चे भी माँ माँ कहकर उसके इर्द गिर्द घूमने लगे, उसे भी बच्चों के लिए बड़ा स्नेह होने लगा। अब वो बच्चों को खिलाती पिलाती और उन्हीं के साथ समय बिताने लगती है। बच्चों को भी माँ का प्यार मिलते ही वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अनामिका रवि को साथ लेकर घर के छत पे जाती है। रमेश प्रसाद शारदा सभी लोग बड़े ही आश्चर्य थे रवि को देखकर। अनामिका गुस्से से कहती है, माँ जी, पिताजी और आप लोगों ने मिलके मुझे ठगने का नाटक क्यों किया? तुम्हारे बच्चों के लिए बहू, तुम्हारे दो दो बच्चे हैं, तुमने उन्हें जन्म दिया है, उन्हें दूध पिलाया है, तुम उसकी माँ हो और तुम माँ का प्यार नहीं देती। हमने ये सब किया ताकि तुम्हें समझ में आए कि बच्चे माँ के प्यार के लिए कितना तड़प रहे हैं। तुम्हारा मेकअप नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए आज तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा है, तुम इस बात को समझो और तुम्हारे अंदर जो मातृ स्नेह है बच्चों के लिए वो तुम उन्हें दो। मैं भटक गई थी, आज से मैं बच्चों को मातृ स्नेह जरूर दूंगी। इतना कहकर बच्चों को वो अपने साथ लिपट लेती है। उस दिन से अनामिका अपनी सारी गलतियों को सुधार के अपनी अमीरी की रुआब को छोड़ते हुए बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।
बौना रमेश जब मंदिर में देवी की प्रार्थना कर रहा होता है, उसका परिचित पड़ोसी शेखर वहाँ पर आता है। क्या बौने रमेश, लंबे होने की प्रार्थना कर रहे हो, व्यंग करते हुए कहता है। दुखी होकर रमेश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में ही उसके कॉलेज में पढ़ने वाली सुकन्या उसी रास्ते से आ रही होती है। मालिनी जो की साधारण थी, वो अपना रुमाल नीचे गिरा देती है। ए नाटी सुकन्या, उठा के देना, तुम खुद भी तो उठा सकती हो, तुम बौनी हो ना, जल्दी उठा लोगी, इस तरह मजाक उड़ाते हुए कहती है। सुकन्या दुखी होकर कॉलेज में बिना रुके वो घर आ जाती है। तभी एक दिन बौनी शारदा राशन का सामान लेने किराने का दुकान गई होती है। वहाँ सामान्य उच्चता वाली सुनंदा थी। अरे बाप रे, ये यहीं पे है, अभी मुझे देख ली ना तो ये मेरा मजाक उड़ाने लगेगी, मैं अभी जाती हूँ, बाद में आऊंगी। ये सोचकर जब वो जा ही रही थी, सुनंदा बौनी शारदा को देख लेती है। उसे देखकर वो हंसती है और मनी मन सोचने लगती है। बौनी शारदा मुझे देख ली, सोची कि मैं उसका मजाक उड़ाऊंगी, इसीलिए यहाँ से भाग रही है, बेचारी, वैसे भी मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सोचते हुए वो चिल्लाकर आवाज लगाती है। अरे बौनी शारदा, मुझे देखकर भाग रही हो क्या? सुनंदा की इस तरह की बातें शारदा को सुनाई देती है, पर बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े हुए वो चुपचाप वहाँ से घर चली जाती है। देखकर सुनंदा जोर जोर से हंसती है। अगले दिन जब करीबन सुबह के 6 बज रहे थे, बौनी प्रसाद गेट खोल के सीधा रास्ते पे आते हैं। वो डरते हुए चारों तरफ देखते हैं। रास्ते पे रोज दिखने वाला शंकर नाम का कुत्ता उसे नहीं दिखता है। इस बात से बौनी प्रसाद को राहत मिलती है। अच्छा है, कुत्ता शंकर नहीं दिख रहा है, शायद आके चला गया होगा। अब मैं आराम से जाकर डेयरी से दूध का पैकेट ले आ सकता हूँ। इस तरह सोचते हुए बौने प्रसाद चलते हुए आगे जाते हैं। वो मिल्क डेयरी के पास जा रहे थे, तब तक कुत्ता शंकर रास्ते पे आता है और वो बौने प्रसाद को देख लेता है, मुस्कुराता है और गले के बेल्ट को निकालकर वो भागते हुए आता है। भागते हुए आकर वो प्रसाद को देखकर भौंकने लगता है। कुत्ते के भौंकने से प्रसाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हे भगवान, अगर इस कुत्ते ने मुझे पकड़ लिया तो पता नहीं कहां कहां से नोच के खाएगा, अब तो लगता है मुझे भाग मिल्का भाग बनना पड़ेगा। ये सोचकर बौना प्रसाद जहां पे खड़े थे वहां से वो भागने लगते हैं, और उसे भागते देख कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगता है। कुत्ता शंकर मनी मन बहुत हंसता है। इस तरह आधा घंटा निकल जाता है। फटे हुए कपड़े, इधर उधर शरीर पे लगा हुआ चोट, जैसे तैसे दूध का पैकेट लेकर प्रसाद घर पहुँचते हैं। उनकी हालत देखकर बौनी शारदा बहुत परेशान हो जाती है। कुत्ता शंकर आज फिर आपको दौड़ाया, अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं, ज्यादा चोट लगी होती तो कुत्ते का इंजेक्शन लगाना पड़ता, कहकर वो अंदर चले जाते हैं। उनका दिन निकल रहा था। इस तरह शारदा, प्रसाद, रमेश, सुकन्या घर से बाहर नहीं आते थे, वो बस घर पे ही रहते थे। एक दिन सुकन्या परेशान होकर कहती है, बौनी होकर पैदा होना हमारी गलती तो नहीं है माँ? सभी लोग लंबे हैं, बस हम ही 4 लोग जो बौने हैं, पता नहीं कौन सा पाप किया था। इस समस्या से अगर हमें निकलना है तो हमें घर में लंबी बहू ले आना है। क्यों पिताजी, फिर वो लंबी लड़की घर पे आके हम सभी का वो मजाक उड़ाने लगेगी, हमारी बेइज्जती करेगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। शारदा, प्रसाद काफी देर तक सोचते हैं, फिर पंडित जी से कहकर वो लंबी लड़की अनामिका से रमेश की शादी की बात चलाते हैं। लंबी अनामिका चेयर पर बैठकर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों को देखकर वहीं पे बेहोश हो जाती है। अनामिका की माँ सुमति भागते हुए जाती है और जल्दी से पानी लाकर उसके मुंह पे छींटा मारती है। अनामिका उठ के बैठती है, फिर उन बौने लोगों को देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। पिताजी, इन्हें बोलिए यहाँ से चले जाए, इस बौने रमेश से मैं शादी नहीं करूँगी। उसकी बातें सुन के शारदा और उसके परिवार को अनामिका के दर्द के बारे में समझ में आता है। सुमति अनामिका से बात करती है। देखो बेटा, ये बौने हैं पर इनका मजाक मत उड़ाओ, तुम्हारे पिताजी ने खबर लिया है, हर तरफ से ये लोग बड़े ही अच्छे हैं, बस थोड़े से बौने हैं, बाकी सब अच्छा ही है। देखो बेटा, तुम्हारी हाइट की वजह से कितने लोग आए गए, कितने लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, रमेश तुम्हारे लिए अच्छा वर होगा। उनके कहने पे अनामिका भी सोचने लगती है। वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो शारदा के परिवार को बुलाकर अनामिका की मंजूरी की बात बताते हैं। उसकी मंजूरी की बात सुनके सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उनकी शादी हो जाती है।
फिर लंबी अनामिका चलते हुए गेट से घर के अंदर आती है। आसपास के सारे पड़ोसी गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। बौनी सास लंबी बहू को घर के अंदर ले जा रही है देखकर वो हंसने लगे। शारदा अनामिका लेकिन उनकी बातों का परवाह नहीं करती है। लंबी अनामिका घर में प्रवेश करती है। बौने प्रसाद और सुकन्या दरवाजे के पास सीढ़ी को दोनों तरफ से पकड़ते हैं। फिर बहुत ही मुश्किलों के साथ दरवाजे के सामने शारदा उस सीढ़ी पे चढ़ के बहू की आरती उतारती है। लंबी बहू अपना दाहिना पैर बढ़ा के घर के अंदर आओ। ठीक है माँ जी, कहकर शारदा सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। प्रसाद और सुकन्या उस सीढ़ी को वहाँ से हटा लेते हैं। बौना रमेश और लंबी अनामिका दाहिना पैर बढ़ा के घर के अंदर आते हैं। सुकन्या फूल लाके उनपे फूल छिड़कती है। रमेश और अनामिका हॉल में आ जाते हैं। लंबी अनामिका ससुराल में आके अब ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही होती है। तभी एक दिन सासुमा शारदा को बहुत सर दर्द हो रहा था और वो बिस्तर पे लेटी हुई थी। जब अनामिका को पता चला तो वो बाम लेके सासुमा शारदा के पास आई। माँ जी, आपका सर दर्द हो रहा है ना, मैं बाम लेकर आई हूँ, आइए लगा देती हूँ, फिर तेल लगा के सर मालिश भी कर दूंगी। ये सुनकर शारदा थोड़ा घबरा जाती है और आश्चर्य होकर देखने लगती है। नहीं बहू नहीं, तुम कितना काम करोगी, तुम अब थक जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ जी, तेल लगाने से आराम मिलेगा। नहीं बहू, बिल्कुल ये सब मत करो, तुम जाओ, जाके तुम थोड़ा आराम करो। ये कहने पर अनामिका बाम देके वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुकन्या और प्रसाद वहाँ पर आते हैं। क्यों शारदा, बहू ने कहा कि बाम लगा देगी, तेल मालिश कर देगी, पर तुमने मना क्यों कर दिया? इस बात के लिए बहू को क्यों परेशान करना? असल बात तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बहू लंबी है और तुम नाटी, अगर गलती से बहू एक तमाचा लगा दी कहीं तुम ऊपर न चले जाओ, इसी बात का तुम्हें डर है ना शारदा? कहते हुए प्रसाद और सुकन्या जोर जोर से हंसने लगते हैं। शारदा उनके तरफ गुस्से से देखती है। बहू को ज्यादा परेशान किए बिना बहू जो बना के देती थी वही वो खा लेते थे और सब एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे।